ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये माउथ ऑपरेटिंग बिपकॉक है, इसमें से देखिए पानी टपक रहा है, गिर रहा है कंटिन्यूस। इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। इसको ऊपर से ही आपको घुमा देना है, वो खुल जाएगा थ्रेड से। अब देखा इस पेंडल ये हमने खोल लिया इसको। इसके ऊपर वाइसर दिया है, अब उसके अंदर देखिए जो है ये सिरामिक डिश होता है। दिखा दे कैसे रोका लपनिया चालू बन के कहीं से, वो तो सब जान होता है, वो तो वो पैकिंग हम लगाएंगे। अब ये जो लीकेज हो रहा था इसमें से, ये देखिए ये जो सिरामिक डिश है ना, ये घिस गया था इसका, इसके अंदर खाँचा होता है। ये देखिए वो खाँचा है ना, वो घिस गया था। इसके खाँचे के अंदर वो पैकिंग डाल देंगे हम। ये हम लोग ने टेफ्लॉन टेप से बनाई इसका पैकिंग, उसके अंदर ये पैकिंग हम लोग डाल के फिर उसके अंदर हम लोग सेट कर देंगे। अच्छे से दोनों खाँचे में पैकिंग डाल देना है। हमने पैकिंग डाल दिया है, अभी हम इसको इसके अंदर जो खाँचा दिया उसमें हम डाल देंगे। खाँचे के हिसाब से उसके अंदर हम लोग सेट कर देंगे। ये उसके अंदर बैठ गया है, घुमा के देख लेना है नीचे से एक टाइम आपको कि वो खाँचे में बराबर सेट हुआ कि नहीं। देखो घूम रहा है वो, मतलब अपना खाँचे में सेट हो चुका है वो। अब इसका ये जो ऊपर का सिरामिक डिश है, ऊपर का सेट, इसको लगा देंगे हम। अब इससे पानी कैसे आता है वो आपको बताता हूँ। अब ये देखिए अभी आपको ये खुला दिख रहा है, अब ये बंद हो गया है। ये जब ऑपरेट करेंगे हम लोग तो ये बंद हो जाता है, बंद कर ये बंद हो जाता है तो इससे पानी आना बंद हो जाएगा। ये सिरामिक डिश वाला है, और इसको जब हम खोल देंगे खोल तो देखिए खुला ओपन हो जा रहा है, तो उससे अपना पानी नीचे जाएगा। अभी इसको हम लगाएंगे, इसके ऊपर वाइसर लगा के उसको हम उसके अंदर टाइट कर देंगे तो वो लीकेज बंद हो जाएगा। अभी हम इसको इसके अंदर टाइट कर देंगे। अब हल्का सा टाइट कर देना है इसको, बस हल्का सा टाइट हो चुका है वो। अब हम इसको ऊपर से पानी चालू करके देखेंगे कि लीकेज हो रहा है कि नहीं। ऊपर से वाल बंद कराएं, उसको चालू करने के बाद आपको बताएंगे कि पानी लीकेज हो रहा है कि बंद हो गया। ये हमने पानी चालू कर दिया, ये देखिए पानी फुल प्रेशर में है। अब इसको हम बंद करेंगे, ये देखिए पूरा लीकेज बंद हो गया अपना। इसी तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। यहीं समाप्त करता हूँ।